वेलकम टू माय चैनल यम्मी रेसिपीज बाय पल्लवी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए खट्टे मीठे करौंदे बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है, आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। आइए करौंदे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर करौंदों को मैंने 3 से 4 बार धो लिया है और अब आप इनको इस तरीके से काट लीजिए। यहाँ पर मैंने अपने सब करौंदों को काट लिया है और हरे मिर्च को भी काट कर रख लिया है। आइए इनको बनाना शुरू करते हैं। उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है। ऑयल गर्म हो जाने पर इसमें सबसे पहले हरी मिर्च डालिए। चुटकी भर हींग, हल्दी पाउडर, करौंदे डाल दीजिए। थोड़ा सा नमक अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ये अच्छे से गल गए हैं, ये बहुत जल्दी गल जाते हैं। और अब इसमें मैं 1/4 कटोरी चीनी ऐड कर रही हूँ। इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है खाने के साथ, इनका खट्टा मीठा टेस्ट खाने को बहुत ही यमी बना देता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ। बस आधा मिनट के अंदर जब तक ये चीनी घुलती है खट्टे मीठे करौंदे बनकर तैयार हैं। आइए इन्हें सर्व करते हैं। हमारे करौंदे बनकर तैयार हैं। गर्मियों के सीजन में जब हमारी खाने की इच्छा नहीं करती तो इन चीज़ों को हम खाने में इन्वॉल्व करके अपने खाने के टेस्ट को तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही साथ हेल्दी भी रहते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।